हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको नमस्ते। आज हम बनाएंगे करेले की रेसिपी, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, आप भी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। तो ये मैं आज करेले काट कर बना रही हूँ, क्योंकि मुझे दो तीन फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की कि आप करेले की रेसिपी बनाकर दिखाइए मैडम, तो काट कर भी और भरवा भी। तो आज मैं काट कर करेले की रेसिपी बना रही हूँ, और नेक्स्ट रेसिपी मैं भरवा करेले की बनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो करेले लिए थे, इनको पहले छील कर और काट कर इनको आप पानी में दो तीन घंटे के लिए नमक डालकर भिगो के रख दीजिए। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप इसको करेलों को छील कर काट कर धूप में रख दो और नमक मिक्स करके, और इसके बाद इनको धो के और निचोड़ के तब इनको बनाएं, तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने दो चम्मच बड़े ऑयल लिया है, जिससे सब्जी बनाते हैं वो वाले चम्मच। पहले हम इन करेलों को फ्राई करेंगे, अभी तेल गरम हो रहा है। ये देखिए तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें करेले डालेंगे। देखिए करेले गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, और अब हम इसको निकालेंगे। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आधा चम्मच कलौंजी डालेंगे, एक चम्मच सौंफ डालेंगे, इनको रोस्ट करेंगे। अभी ये मैंने तीन मीडियम प्याज ली थी, ये डालेंगे। और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब देखिए प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब हम मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर,
एक चम्मच लाल मिर्च और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और ये तीन मीडियम टमाटर थे काटे हमने, ये डालेंगे। मसाले को भूनेंगे। आप चाहें तो इसमें आंबी भी डाल सकते हैं, अगर थोड़ा खट्टा सब्जी पसंद है तो आप, और चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं। देखिए मसाला अच्छी तरह भून गया है, क्योंकि मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो ये बहुत अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें करेले डालेंगे। ज़रा मिक्स करेंगे मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा कप के जितना। अब इनको पकने देंगे। हमारी कितनी स्वादिष्ट सब्जी तैयार हुई है, आप भी अपने घर में ट्राई करें, ऐसे ही बनाएं। और ख़ासकर बाबू भाई आपके लिए, आपने मेरे से बहुत बार बोला, ऐसी ट्राई करें आप। ओके बाय, आगे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।